नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम सभी जानेंगे नेट असेसमेंट 2024-25 के बारे में। आपको पूर्व में अवगत है कि जो नेट असेसमेंट है वह 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में सभी जिलों में अन्य अन्य तिथियों में प्रस्तावित है। तो नेट असेसमेंट में हमें क्या क्या करना है और परख जो ऐप है उसके तहत हमें किस प्रकार से स्कैनिंग कंप्लीट करनी है, परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के पश्चात स्कैनिंग हमें किस प्रकार से करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं नेट असेसमेंट से संबंधित सभी जानकारियाँ। साथियों, इस पूरे वीडियो में हम आपको चार सेक्शन के तहत पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हमें पहले जानना है कि आकलन के बारे में जो भी सूचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, क्या क्या हमें जानना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि आकलन हेतु हमें किस ऐप का प्रयोग करना है और उसका किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, संचालन करेंगे। तीसरे सेशन में हम जानेंगे कि आकलन के दौरान कक्षा 1 से लेकर 8 तक हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। और अंतिम सेक्शन में हम जानेंगे कि आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु किसके किस प्रकार के दायित्व हैं और उन दायित्वों का हमें निर्वहन किस प्रकार से करना है कि हमें एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जा सके। सेक्शन 1 हम लोग आकलन के बारे में, सूचना के बारे में जानेंगे। साथियों, नेट का आयोजन दिनांक 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच एक समय सारणी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि इसी के अनुसार अलग अलग मंडल में, अलग अलग जिलों में 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कराई जानी है, जो कि आप सारणी से देख कर अपने जनपद की तिथि देख सकते हैं। आकलन का जो समय होगा वह कक्षा 1 से 3 के लिए 9:30 से 11:30 के बीच आकलन किया जाएगा और उसके पश्चात 11:30 से 1:30 बजे तक स्कैनिंग का समय दिया गया है कक्षा 1 से 3 के लिए, जिसका एग्ज़ाम पहले दिन किया जाएगा। और कक्षा 4 से 8 के लिए 9:15 से 11:50 तक का समय है आकलन करने का, और जिसमें 9:15 से लेकर 9:30 तक बच्चों को OMR भरने के लिए हमें समझाना होगा कि हमें किस प्रकार से OMR को भरना है। और 9:30 से 11:30 के बीच में उनका आकलन करवाना है और 11:30 से लेकर 11:50 के बीच बच्चों द्वारा OMR सीट में गोला भरने के लिए उन्हें बताना है। और अंत में 11:50 से लेकर 1:50 के बीच में स्कैनिंग हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये आकलन का समय है, हमें इन्हीं समय के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करना है। आकलन के जो विषय हैं वह कक्षा 1 से लेकर 3 तक केवल हिंदी और गणित का होगा, कक्षा 4 से लेकर 5 के बीच अंग्रेजी, हिंदी, गणित और हमारा प्रवेश EVS के पेपर आएंगे। इसके प्रश्न आपको इस पेपर में सम्मिलित रहेंगे। कक्षा 6 से 8 के बीच जो है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। अब हम सेक्शन 2 आकलन हेतु ऐप का प्रयोग किस प्रकार से होगा उसके बारे में जानेंगे। साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस वर्ष हम परख ऐप के माध्यम से नेट परीक्षा को संपादित करेंगे, जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु है नेट 2024-25 जो है वह परख ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके पूर्व में सरल ऐप के माध्यम से हम सभी ने यह पेपर स्कैनिंग करवाई थी। दूसरा बिंदु है परख ऐप के माध्यम से छात्र उपस्थिति एवं OMR स्कैन किया जाएगा। परख ऐप में कक्षावार छात्र सूची उपलब्ध होगी। परख ऐप के माध्यम से स्टूडेंट ID देखी जा सकती है। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु ARP, SRG, DCT अथवा विद्या समीक्षा केंद्र से आपको संपर्क करना होगा। नीचे आपको विद्या समीक्षा केंद्र के नंबर दिए गए हैं, यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका प्रेरणा पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वही आपको फिल करना होगा परख ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आईडी और पासवर्ड में। परख ऐप इंस्टॉल करने के लिए और लॉगिन करने की जो प्रक्रिया है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर परख ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और प्रयास रहे कि आप परख जो ऐप है उसका आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात आप प्रेरणा पोर्टल पर जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसी से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन नंबर में आपको वही अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है और पासवर्ड में आपको उसी मोबाइल नंबर को फिल कर देना है, अर्थात आपका लॉगिन नंबर और पासवर्ड आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। इसके पश्चात जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा जिसमें आपको फ़ोटो और लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। सेक्शन 3 में हम सभी जानेंगे आकलन के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन कार्यों को करना है। तो आइए देखते हैं आकलन के दौरान हमें क्या करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष जो कक्षा 1 से लेकर 3 और कक्षा 4 से लेकर 8 के बीच जो प्रश्न पत्र हैं और MR शीट है उनका विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 3 के बीच प्रत्येक कक्षा में 2 से 3 प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे और उनके लिए प्रत्येक OMR शीट पर 10 बच्चों का आकलन किया जाएगा और कक्षा 4 से लेकर 8 के बीच प्रत्येक बच्चे के लिए 1 प्रश्न पत्र दिया जाएगा और प्रत्येक बच्चों के लिए OMR शीट भी दी जाएगी जो अपने अपने OMR शीट पर अपने प्रश्नों के उत्तर का उल्लेख करेंगे। नीचे आपको OMR शीट कक्षा 1 से लेकर 3, OMR शीट कक्षा 4 से लेकर 5 और OMR शीट कक्षा 6 से लेकर 8 की दिखाई जा रही है जिसकी डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उस पर क्लिक करके आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो OMR शीट हैं उनको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपने बच्चों का अभ्यास इस पर करवा सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 3 के बीच जो आकलन होना है उनके जो मुख्य बिंदु हैं कुछ इस प्रकार से हैं, आइए देख लेते हैं। आपको इसके पहले मैंने पॉइंट में बताया कि जो नेट आकलन है वह कक्षा 1 से लेकर 3 के लिए हिंदी और मैथ के जो हैं विषयों के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको सबसे पहले छात्रों की उपस्थिति परख ऐप के माध्यम से चिन्हित कर लेनी है कि कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं और कौन से एब्सेंट हैं, उन्हें आपको उस पर टिक लगा देना है और उसमें प्रेजेंट उन्हें कर देना है। इसके पश्चात प्रश्न पत्र एवं OMR शीट पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन OMR शीट पर उत्तर चिन्हित करना होगा। छात्रों का आकलन शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा तथा शिक्षकों द्वारा ही OMR शीट भरी जाएगी। कक्षा 1 से 3 का जो OMR होगा वह शिक्षकों द्वारा ही भरा जाएगा। बच्चों से प्रश्न पूछकर यदि किसी भी प्रश्न के वो उत्तर देते हैं तो उसके सामने हमें गोला कर देना है, अन्यथा की स्थिति में हमें गोला खाली रख देना है। हमें बच्चों को OMR शीट नहीं देनी है, हमें खुद से ही इसका आकलन करना होगा। समस्त छात्रों का स्टूडेंट ID शिक्षकों द्वारा OMR शीट पर भरा जाएगा। जो 9 अंक की स्टूडेंट ID है वह आपको परख ऐप से प्राप्त होगी। आपको इस पहले से ही इस ID को किसी विशेष जगह पर आपको नोट करके रख लेनी है जिससे कि आपको स्टूडेंट ID को सर्च करने में कोई भी समस्या ना हो और आप समय के अंतर्गत इसे पूर्ण कर सकें। यदि छात्र छात्रों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर दिया जाता है तो आपको गोले भर देने हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई भी गोला नहीं भरना है। आकलन समाप्त करने के 2 घंटे के अंदर परख ऐप के माध्यम से आपको OMR शीट को स्कैन कर लेना है। ध्यान रहे कि आपको OMR शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन द्वारा ही भरा जाना है, न कि आपको किसी पेंसिल या नीली पेन या अन्य किसी के द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाना है। कक्षा 4 से लेकर 8 के लिए जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं कि नेट आकलन में कक्षा 4 से 8 के बीच जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के प्रश्नों का संकलन रहेगा, इसमें भी आपको जो 1 से 3 की कक्षा है उसी के अनुसार करना है। छात्रों की उपस्थिति आपको परख ऐप पर चिन्हित कर लेनी है। छात्रों को
प्रत्येक छात्र को OMR सीट और प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा देना है और प्रश्न पत्र एवं OMR सीट पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक छात्र को OMR सीट भरने के लिए बोल देना है। OMR सीट भरने के तरीके के बारे में आपको उदाहरण सहित समझाया जाए ताकि OMR सीट भरने में बच्चों द्वारा गलतियां ना हो। आपको ब्लैक बोर्ड पर एग्जांपल सहित एक या दो जो आपको OMR सीट है उसको आपको समझा देना है कि आपको किस प्रकार से कहां पर क्या क्या भरना है और समस्त छात्रों की जो स्टूडेंट आईडी है उस शिक्षकों द्वारा OMR सीट पर भरवाई जाएगी। इसका भी आप जो स्टूडेंट आईडी है वह आप परख ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे और बच्चों को उसको नोट करवा देंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा और आकलन समाप्त होने के पश्चात 2 घंटे के बाद आपको 2 घंटे के अंदर परख ऐप के माध्यम से स्कैनिंग कंप्लीट करनी है और आपको बच्चों को बताना है कि जो OMR सीट है उसमें केवल और केवल ब्लैक बॉल पेन के द्वारा ही गोला किया जाना है। छात्रों को की उपस्थिति लेने के लिए जो प्रक्रिया है वह कुछ इस प्रकार से है। प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड आपको मोबाइल नंबर जो आपका है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड सेम आपका जो मोबाइल नंबर है वही रहेगा। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने जो जिस कक्षा का आकलन आप करने जा रहे हैं उसका आपको चयन कर लेना है। यदि छात्रों की जो सूची है वह सिंक नहीं है अर्थात आपके ऐप में नहीं है तो आपको सिंक आइकन पर क्लिक करके छात्रों की सूची को अपडेट कर लेना है। आपको तीसरे स्टेप में जिस भी कक्षा का आकलन करना है उसका आपको चयन करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको छात्रों की सूची दिखाई देगी। आपको उसी क्रम में छात्रों को बैठा देना है और छात्रों को प्रेजेंट और एब्सेंट कर देना है। आप ड्रैग करके प्रेजेंट और एब्सेंट कर सकते हैं। इसमें ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट सभी बच्चों की उपस्थिति जो है वह प्रेजेंट होगी तो आपको आसानी होगी कि आप जिनको एब्सेंट करना है केवल उन्हीं पर आपको क्लिक करना है और वो बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे। इसी उपस्थिति के दौरान ही आप बच्चों को उनका जो स्टूडेंट आईडी है वह बता देंगे और बच्चे उसको अपने OMR सीट में नोट कर लेंगे जिससे कि आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आसानी से आप उपस्थिति के पश्चात उनको OMR पर ही स्टूडेंट आईडी नोट करवा सकते हैं। OMR सीट भरने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वह इस प्रकार से हैं। OMR सीट को नुकसान न पहुँचाएँ एवं उसमें कोई भी छेद न करें या बच्चों को सभी निर्देश बता देने हैं। OMR सीट में बने 4 काले गोले के बाहर कुछ भी न लिखें। OMR सीट में स्टूडेंट आईडी ध्यानपूर्वक भरें तथा केवल मानकीकृत संख्याओं का ही प्रयोग करें। सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि वह बच्चों को नेट एग्ज़ाम से पहले यह जरूर बता दें कि उन्हें काले बॉल पॉइंट पेन ही का इस्तेमाल करना है और 0 से लेकर 9 तक के जो मानकीकृत संख्याएं हैं अंक हैं उनको बच्चों को बता देना है जिससे कि वह उसी का प्रयोग OMR में करेंगे। बच्चों को OMR में ब्लैक पेन से भरना है और कक्षा 1 से 3 की OMR सीट शिक्षकों द्वारा भरी जाएगी और 4 से 8 की जो OMR सीट है वह छात्रों द्वारा भरी जाएगी। अगला सेक्शन है आकलन के दौरान सरल ऐप के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए परख ऐप से किस प्रकार से हमें स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग करने के लिए हमें परख ऐप को ओपन कर लेना है। जैसा कि हमने आपको इसके पूर्व में ही बताया कि उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे स्कैन स्कैन रिपोर्ट और समरी का। तो स्कैन पर हमें क्लिक करना है स्कैन करने के लिए। OMR सीट स्कैन करने के लिए हमें अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि OMR सीट जो है वह लेफ्ट साइड लेफ्ट में आए और राइट साइड राइट में आए जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है। और सुनिश्चित करना है कि जो OMR सीट है वह फ़ोन की स्क्रीन में दिखाई दे रही है और एक समय पर हमें ध्यान रखना है कि एक ही OMR सीट को स्कैन करना है। OMR सीट अच्छे से स्कैन तभी हो सकती है जो जबकि उस पर आपके स्क्रीन के सामने एक ही जो OMR हो वह रखी गई हो और प्रयास करें कि स्कैनिंग से पूर्व आप जो OMR सीट रखें वह किसी या तो काले या फिर सफ़ेद पीछे पेपर लगा लें जिससे कि स्कैनिंग के दौरान कोई अन्य इमेज मोबाइल की स्क्रीन पर ना स्कैन हो।
स्कैनिंग कर लेने के पश्चात हमें डाटा को कंफर्म करना है। उसके लिए स्कैन के पश्चात हमें देखना है कि जो छात्र के आंसर हैं वह OMR की सीट के साथ हमें मिलान करना है। देखते हैं कि वह मिलान करते हैं या नहीं करते हैं। यदि मिलान नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका सही विकल्प मैन्युअली भर देना है और उसे हमें एक ऑर्डर में कंप्लीट कर लेना है और सीट जिसमें भी हमें परिवर्तन करना हो उसके नाम के सामने हमें विकल्प मिलाते जाएंगे और उसमें परिवर्तन करते जाएंगे और मिलान करने के पश्चात हमें सेव पर क्लिक कर देना होगा। स्कैन होने के पश्चात स्कैन रिपोर्ट के माध्यम से स्कैन किए हुए डाटा को हम देख सकते हैं। व्यू शीट के माध्यम से आप स्कैन हुआ डाटा देख सकते हैं और यदि स्कैन डाटा से संतुष्ट ना हो तो डिलीट डाटा का चयन करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं और अपलोडेड डाटा से संतुष्ट होने के पश्चात आपको सिंक डाटा के माध्यम से सबमिट पर क्लिक कर देना है जिससे कि वह डाटा आपका सबमिट हो जाए। हर 15 स्कैन के बाद आप रिव्यू करके सबमिट करें ताकि डाटा आपका लॉस ना हो, आपको फिर से स्कैनिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। अपलोडेड डाटा से संतुष्ट होने के पश्चात जब आपने सिंक करके डाटा को सबमिट कर दिया होगा तब आप समरी में जाके सबमिट किए हुए डाटा की सूची देख सकते हैं जहां से आप छात्र संख्या जिनका डाटा सबमिट किया जा चुका है उनके सामने सिंक्ड का ऑप्शन आएगा और जिनका नहीं हुआ है उनके सामने सिंक लिखकर आएगा और उसे यदि नहीं हुआ है तो हम सिंक कर देंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 3, आकलन के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन किन समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं यदि इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अब अंतिम सेक्शन आता है 4, जिसमें हमें आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे जो दायित्व हैं उन्हें हमें ध्यान में रखते हुए कार्य को करना है। इन पर शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं जिसमें जो YouTube लाइव प्रशिक्षण है उसको आपको पुनः एक बार देख लेना है जो कि चैनल पर आपको दिया रहेगा। आपको यह आकलन से पूर्व कर लेना है। परख ऐप पर ट्रेनिंग के जो वीडियोस हैं और FAQ हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अर्थात जो सामान्यतः समस्याएं आ सकती हैं उनके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं उसके आंसर आपको FAQ में दिए गए हैं और आपको उसे देख लेना है। 20 अक्टूबर को प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थी डाटा चेक कर लेना है कि हमारे जो परख ऐप है वह जो हमारे विद्यालय में बच्चे हैं और परख ऐप में दिए गए बच्चों की संख्या बराबर है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमें जो विद्या समीक्षा केंद्र है उस पर फ़ोन करके हमें अपने बच्चों का डाटा सही करा लेना है। आकलन के दिन प्रयास रहे कि जो उपस्थिति है बच्चों की वह 100% रहे और समस्या आपको किसी भी प्रकार की आकलन के दौरान आकलन के दिन आ रही है तो अपने ARP साथियों का सहयोग लें या फिर SRG या DC जो आपके जनपद के हैं उनसे संपर्क करें। यदि इससे भी आपका जो समस्या है वह सॉल्व नहीं होती है तो आप विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको NET असेसमेंट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई है। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या किसी भी प्रकार के आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे वह पूछ सकते हैं। आशा करेंगे कि हम आपको अधिकांश प्रश्नों के जवाब आपके तुरंत प्रोवाइड करवाए जाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।